देखो बहू, एक राजा होता है जिसकी कई रानियां होती हैं, लेकिन उस राजा की एक ही महारानी होती है, और वो महारानी तुम हो। क्यों चिंता करती हो बहू? तुम्हें गंगाधर का विवाह कराना ही होगा। अरे देवा, ये कैसी सीख दे रही है आप हमारी महारानी को? एक औरत स्वयं के होते हुए अपने पति के दूसरे विवाह की कल्पना से भी कांप उठती है। भाभी एक बात तो बताइए, आपको लक्ष्मीबाई की चिंता कब से होने लगी? बात आई, कैसी बातें कह रही हैं आप? भला हमारी महारानी की चिंता हम नहीं करेंगे तो और दूसरा कौन करेगा? और जेठानी और देवरानी में तो ताने उलाने घर घर में चलते रहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ऐसा लगता है मानो आप हमारे महाराज की मृत्यु की मनोमन कामना कर रही है। और ताई, उत्तराधिकारी की चिंता आपको इतनी क्यों खाई जाती है? हमने ठीक कहा ना महारानी साहिबा? एक बात आप सुन ले, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं, झांसी को उत्तराधिकारी मिलेगा। बहु सहायता करेगी हमारी। महारानी, ताई की बातों को हृदय पर मत लेना, ये सत्य है। झांसी को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, परंतु उसे इस दुनिया में कैसे लाना है ये केवल और केवल आप ही को सोचना है महारानी। उत्तराधिकारी ये देगी। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपको भ्रम है, महारानी गर्भ से नहीं है। अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे। भगवान, तू मेरी मनु के साथ इतना क्रूर कैसे हो गया? इस भक्त ने तो अपना सारा जीवन तेरी उपासना में बिता दिया, उसका यही परिणाम है। यदि मेरी आराधना का यही फल है तो नहीं चाहिए मुझे ये फल। नहीं मानता हूं मैं तुझको। अब सारा संसार मुझे नास्तिक कहे तो स्वीकार है मुझे। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं करते। एक प्रकांड पंडित के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और फिर ईश्वर तो
अपने ही भक्तों की परीक्षा लेता है ना। तो मेरी परीक्षा ले ले बेटे, मेरी परीक्षा ले ले। हर बार ये परीक्षाएं तुझे ही क्यों देनी पड़ती है? भक्ति भावना में अपना या पराया कुछ नहीं होता, सब कुछ उस सर्वशक्तिमान को अर्पित कर दिया जाता है। सोचिए ना, भक्त प्रहलाद और बालक ध्रुव को कैसी कैसी परीक्षाएं देनी पड़ी थी। वाह बेटे वाह, इस समय तो मुझे तुम्हें संभालना चाहिए। और तू मुझे ही सांत्वना दे रही है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपके परामर्श की आवश्यकता थी। महाराज, नेल्सन साहब आपसे मिलने के इच्छुक हैं। आप क्या समस्या लेकर आए हैं? No, Your Majesty. मैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आया हूँ। आज पहली बार आप बिना किसी समस्या के यहाँ आए हैं। Yes, Your Majesty. झांसी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का झांसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो झांसी में दूसरी किंगडम से लोग शेल्टर मांगने आते हैं। सुना है संबलपुर से कुछ मेहमान आपके पास आए हैं। एक्चुअली संबलपुर से उन्हें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि संबलपुर का कोई लीगल एयर नहीं था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडर द रूल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स संबलपुर और सचारा को एनेक्स कर लिया है। बट वी आर थैंकफुल दैट झांसी हैज बीन ब्लेस्ड। यहां ऐसा कोई नहीं होगा क्योंकि द क्वीन ऑफ झांसी इज गोइंग टू गिव अस ऑल द गुड न्यूज। ब्रिटिश सरकार द्वारा निष्कासित राज्याधिकारी शतरंज के विसात पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चेस, नाइस गेम। आई डू फैंसी चेस, योर मैजेस्टी। मैं तो शतरंज में माहिर हूं। मैं किसी को भी इस गेम में हरा सकता हूं। फॉरगिव मी योर मैजेस्टी, लेकिन मैं आपको भी हरा सकता हूं। अच्छा तो ठीक है, आप भी इस खेल में सम्मिलित होकर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा सकते हैं। यदि महाराज अनुमति दे तो अवश्य हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे खेल में फिरंगी हमें कैसे हराते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।